हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मेरा नाम है हसीब और आप देख रहे हैं चैनल सोना पंजाब। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और डॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो बगैर किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से टाइमली आगाह हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हमजा भाई? ठीक ठाक हैं भाई, बिल्कुल फिट फाट। अच्छा हमजा भाई, दोस्तों को अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दें और आप अपने कैनल का नेम भी बता दें। सर मियां हमजा मेरा नाम है, मैं जाइंट गोल्ड कैनल के नाम से कैनल चला रहा हूँ इस टाइम। अच्छा। और फेसबुक पे है एग्जोटिक जाइंट गोल्ड के नाम से कैनल मेरा पेज बना हुआ है। ठीक है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप दोस्त उसको विजिट कर सकें। और कोई भी दोस्त किसी किस्म का भी सवाल करना चाहता है इन ब्रीड से मुतल्लिक जो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो बगैर किसी झिझक के आप हमजा भाई से रابطہ कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे और आप मेरी आईडी से भी रابطہ कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। मुझे ये बताएं कि ये कौन सी ब्रीड हमने पकड़ी? सर ये बुली पिट मेल है। ठीक है, फादर इसका अमेरिकन बुली था, मदर साइड इसकी बुली पिट थी। अच्छा, अमेरिकन बुली में मेल आ रहा है इस टाइम ये। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त इसकी एज कितनी है? सर इस टाइम 2 साल का। 2 साल का है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस ब्रीड में अमूमन जो है हम ये देखते हैं कि ईयर क्रॉपिंग की भी होती है, ये नेसेसरी होती है या फिर नेसेसरी? ये बिल्कुल नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है कि कई लोग करवाते हैं कई लोग नहीं करवाते। बट ये मेरे पास ईयर क्रॉप आया था। ठीक है, ये 1 साल या 1.5 साल का था जब मैंने परचेज किया था। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये शो लाइन डॉग्स हैं तो जरा खूबसूरती में इजाफा कर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ईयर क्रॉपिंग में भी स्टाइल्स होते हैं गालबन ऐसे ही है? बिल्कुल, इसमें शॉर्ट क्रॉप होते हैं, इसमें शो क्रॉप होते हैं, बैटल क्रॉप होते हैं। ठीक है, 4-5 इसमें है, मतलब वेरिएंट्स हैं, वो आप फिर अपने हिसाब से चूज करते हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये ठीक ठाक ताकतवर है और मुझे पता चल रहा है मेरा जोर लग रहा है, इसको क्या फीड करा रहे हैं आजकल? सर इसको इस टाइम ये चिकन पे है। अच्छा, साथ में इनको दूध रोटी वगैरह। अच्छा दूध रोटी वगैरह। हाँ जी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर्दियों की खुराक में और गर्मियों की खुराक में फर्क है? सर बिल्कुल फर्क है। ठीक है, सर्दियों में उनको गर्म चीज़ें डालते हैं। अच्छा, ताकि इनको इतनी सर्दी फील भी ना हो। गर्मियों में ज़्यादा उनको लस्सी वगैरह दही वगैरह देते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके चैनल पे ठीक ठाक डॉग हैं तो आपको टिक्स का भी सामना होता होगा? ठीक है, होता है। और फ्लीस का बहुत ज़्यादा सामना होता होगा, वो आप कैसे मैनेज करते हैं डॉग में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके डॉग्स की हेल्थ भी बहुत अच्छी है और किसी डॉग में मैंने अभी तक टिक नहीं देखा। सर बेसिकली हम इनको फ्रंट लाइन वगैरह और साथ सेवगन वगैरह स्प्रे करते हैं केज में, अपने जो इनका सेटअप है वहाँ पे प्लांट्स में, तो कोशिश तो यही होती है। और जो बाइट्स डॉग्स लेके हैं उनमें काफ़ी टिक्स और फ्लीज होते हैं, तो उनको पहले ज़रा सेपरेट रखते हैं, उनको हफ्ता साइड पर रख के उनको अच्छी तरह ये इनका कोर्स वगैरह करके मेडिकेशन का फिर इनको इनका ले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी नया डॉग फौरन उसको एंटर नहीं करते अपने? बिल्कुल, एक मेरे 2-3 सेटअप है इस टाइम, मेरा जो दूसरा सेटअप है वहाँ पर पहले ले जाता हूँ, कुछ दिन को वहाँ रखने का फिर इन डॉग्स में ले जाता हूँ। सही है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे डर भी लग रहा है इससे साथ साथ, तो मैं वीडियो को जो है जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं ये जो फीमेल आपके पास है इससे मुतलिक सवाल करेंगे, इस कलर को क्या कहेंगे? ये कलर बड़ा यूनिक लग रहा है, ब्लू ट्राय कलर है। अच्छा, ग्रे ट्राय भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिक कलर है और पाकिस्तान में बहुत कम है ये। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी एज कितनी है इस वक्त? सर ये इस टाइम 6 महीने पे है। 6 महीने पे है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कितनी एज में मच्योर हो जाते हैं? सर बेसिकली ये 6 महीने की है, रिसेंटली इसकी हीट मिस कराई है, मैच्योर ये अभी रेडी नहीं थी ब्रीड के लिए। ठीक है, इसका इरादा है कि थर्ड हीट में मेट कराएंगे। ठीक है, ताकि इसकी जो ग्रोथ है पहले ग्रोथ हो जाए फिर इसको ब्रीड ली जाए। अच्छा, अक्सर ब्रीडर्स का होता भी यही है कि वो जो है पहली हीट मिस करवाते हैं, उसकी क्या रीजन यही होती है कि ग्रोथ अच्छी हो जाए डॉग की? ग्रोथ अच्छी हो जाए, डॉग का स्ट्रक्चर अच्छा बन जाए। अच्छा, और जितनी अच्छी डॉग की हेल्थ होगी, जितना अच्छा डॉग तैयार हुआ उतने अच्छे आपको आगे प्रोड्यूस करेगा पप्स। बिल्कुल सही है, मतलब की अपने वो फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाता है उसका, मतलब की हेड प्रोफाइल भी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, और जो बोन स्ट्रक्चर भी प्रॉपर डेवलप है। जो शेफर्ड वगैरह हैं और इस तरह की ब्रीड्स हैं जो केसपी वाले हैं, वो 18 महीने से पहले जो फीमेल होगी उसको नहीं, इसको पप्स को पेडिग्री करते हैं। बिल्कुल सही है। तो भाई इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है कि जनाब ये खासतौर पे पिटबुल से रिलेटेड, बुली पिट से रिलेटेड, जी फैमिली डॉग नहीं है, बच्चों पर हमला कर देते हैं, अपने मालिक पे खुद अटैक कर देते हैं, ओनर पे अटैक करते हैं, और इस किस्म के वाकयात बहुत ज़्यादा वायरल हैं, वीडियो भी वायरल है, इसके मुतल आपका क्या कहना है? सर वाकई बिल्कुल ठीक है, अटैक करते हैं, मगर वाकई
कैरी पे बोर्ड पेंट करता है किस तरह रखा हुआ है आपके स्टेट पर। एक तो ये बात हो गई, ऊपर से अमेरिकन पुलिस अग्रेसिव नहीं होते, ठीक है, जो पिटन पुलिस अग्रेसिव नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन पुलिस को 3-4 साल शो कर रहा हूँ, पिट बुल्स भी मैं रख रहा हूँ शो लाइन, जो गेम लाइन डॉग्स हैं वो अग्रेसिव होते हैं, सही है, बाकी जो शो लाइन पिट बुल्स हैं वो भी अग्रेसिव नहीं होते, ये लोगों की अपनी तरफ से बातें हैं, ठीक है। अच्छा मतलब कि आपने ये बताया कि बेसिकली ब्लड लाइन है, कुछ गेम ब्लड लाइन है और कुछ शो लाइंस है, शो लाइंस है उनमें अग्रेशन ज्यादा है क्योंकि वो फाइटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। जो मैंने अपने फार्म पे पिटबुल्स को और गायें भैंस इकट्ठी हैं, ये कभी इस तरह नहीं हुआ कि पिटबुल ने किसी भैंस पे अटैक किया हो, किसी बकरी पे अटैक किया हो, सही, डॉग अग्रेशन में बिल्कुल होता है, डॉग के डॉग के साथ बिल्कुल, मतलब कि डॉग टू डॉग अग्रेशन है, पेट टू पेट अग्रेशन है, वैसे ह्यूमन अग्रेशन नहीं, ह्यूमन अग्रेशन नहीं है, बिल्कुल सही। और इसके मुंह बोलता सबूत ये है, मैंने आपके सामने जो है मैंने इस डॉग को पहले नहीं पकड़ा, पहली दफा पकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बड़ी इजीली हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्योंकि मैं पेट हैंडल करता रहता हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये पेट अटैक नहीं करेगा, ये डॉग अटैक नहीं करेगा। आप इसकी टेल पैटर्न भी देख सकते हैं, ये वेव कर रहा है, जो बड़ा क्लियर साइन है कि ये जो है अपने आप को पेट करवा रहा है और प्यार करवा रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा इसके अलावा जी मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी ब्रीडर मुझे मिलता है मैं उससे लाजमी ये कहता हूँ कि इस चीज़ की आगाही दें, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से गांव के लोगों में भी और इवन मैंने शहर में भी देखा है वो वैक्सीनेशन को अवॉइड करते हैं। सर वैक्सीनेशन से यह है कि आपके डॉग कई बीमारी से बचा रहता है, उसको जो छोटे जो डॉग्स होते हैं पपीज उनमें पार्वो किनाइन डिजीज़ वगैरह इस तरह की बहुत आती हैं। मैंने मेरे पास पप्स हुए थे, मैं बाहर से डॉग आए थे मीटिंग के लिए, तो मेरे डॉग्स में भी इस तरह उनको वैक्सीन नहीं हुई थी, उनमें वायरस आ गया था, तो इसलिए वैक्सीन को हम प्रेफर करते हैं कि डॉग आपका बीमारी से बचा रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी वैक्सीन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अगर घर में आपके बच्चे भी हैं और आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत मशहूर बीमारी है रेबीज़ जिसका इलाज नहीं है, और अगर आपके डॉग में रेबीज़ आ गई है तो वो ट्रांसफ़र होगी ह्यूमंस में और उसका इलाज नहीं है, तो खुदारा आप जो घर में भी पेट्स रख रहे हैं उनको लाजमी वैक्सीनेट कराएँ। इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।